आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार किस्म की स्पाइसी और टेस्टी टेस्टी की दाल बन रही है। आज मैं बना रही हूँ लाल दाल जो बहुत ही टेस्टी और यमी बनती है और झटपटते रेडी होने वाली है। आज मैंने दाल बनानी है, एक पाव के करीब मैंने दाल ली है, एक अदद मैंने प्याज लिया है स्लाइस में कटा हुआ और प्याज के अंदर मैंने हाफ कप घी का डाल के उसको मैंने गोल्डन होने के लिए रख दिया है। दाल की तरफ चलते हैं। एक पाव के करीब दाल रखी हुई थी वो मैंने भिगो दी थी, इसको एक घंटा पहले मैंने भिगोई है। दाल फूल के काफ़ी अच्छी हो गई है। अब इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे, दाल को एक साइड पे कर लेते हैं। इसमें क्या क्या मसाले जाएंगे, बिल्कुल सिंपल मसाले और इतनी मज़ेदार, बहुत ही मज़ेदार। मेरे पास कुछ बचा हुआ सालन भी रखा हुआ है चिकन का, मैं वो भी इसी सालन के अंदर डाल दूँगी दाल के, जो कि टेस्ट बढ़ाएगा। अगर आपके पास भी कोई सालन बचा हुआ हो तो उसको ज़ाया ना करें। अगर बच्चे वैसे नहीं पसंद करते, कोई सालन ऐसा पका हुआ होता है कि बच्चे नहीं पसंद करते, उसको ज़ाया नहीं हमने करना। उस सालन को भी ये दाल के अंदर हम शामिल करेंगे एंड में। मैं पहले दाल का तरीका बताऊँगी आपको किस तरीके से मैं दाल रेडी कर रही हूँ, फिर वो सालन जो है उसमें डाल दूँगी, फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये क्रीमी सालन जो मेरे पास चिकन का थोड़ा सा रखा था, ये मसाला भी मैं दाल में शामिल करूँगी, जो को टेस्ट को बहुत ही मज़ेदार। जब भी कोई सालन बचा हुआ हो तो उसको ज़ाया ना करें, उसको इस दाल के अंदर डाल लेंगे। इस तरीके से दाल में बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार लगता है। ठीक हो गया, ये सारे साइड पर करती हूँ। लेकिन प्याज लाइट गोल्डन हो चुका है, इसके अंदर एक टमाटर, हाफ टी स्पून हरी मिर्च का पाउडर आएगा, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून ज़ीरा और इसके अंदर चली जाएगी लाल मिर्च जो है हाफ टी स्पून, बस ये हमने डाल दी है। काली मिर्च भी डाल दी क्वार्टर टी स्पून। ये मसाला हमारा इसके अंदर शामिल हो जाएगा और इसके साथ ही ये मसाला जो चिकन का बचा हुआ था ये मैं रख दूँ, डाल दूँगी इसमें मसाला, मसाला भी इसमें डाल दूँगा। फ्लेम को थोड़ा सा हम करेंगे। बहुत ही मज़े की दाल बनने वाली और बहुत ही टेस्टी। मैंने सारा इसमें डाल दिया, बहुत ही नाइस सा कलर आ गया और इसके अंदर अब हम दाल डाल देंगे। दाल मैंने भिगो के रखी हुई थी एक घंटा पहले, ये दाल डाल दी मैंने इसकी। हाफ टी स्पून मैं इसमें ज़ीरा डाल दें, दो अदर लौंग, एक दालचीनी का पीस ये डाल दें, इसमें डाल के हम इसको ढक देंगे। इसमें देखें दाल जो है हमारी गल गई है, सिर्फ 5 मिनट मैंने रखी है और 5 मिनट में मैं देखती हूँ देखें दाल हमारी किस तरह। बहुत ही मज़े की और बहुत टेस्टी और बहुत जल्दी बनने वाली ये दाल है, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है इसकी। चलिए आंटी शॉट करती हूँ। दाल सी हमारी जो टेस्टी टेस्टी सी स्पाइसी स्पाइसी दाल रेडी हो गई है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है, मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।